दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। आईपीएल का इंतजार क्रिकेट प्रेमी कब से कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आईपीएल को रद्द कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद फैसला लिया गया कि आईपीएल को रद्द नहीं किया जाएगा, उनकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब भी शायद कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का डर सभी को है। इसके बावजूद भी अब आईपीएल अब पूरी सतर्कता के साथ में 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका पहला ही मैच मुंबई इंडियंस और सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स में खेलने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना अब बहुत जल्द मुसीबत में होने वाले हैं। शायद आईपीएल से होने वाली उनकी कमाई पूरी तरह से रुक जाएगी। आइए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले सुरेश रैना शायद आने वाले आगामी मैचों से बाहर होंगे। रैना के बाहर होने की वजह चेन्नई सुपर किंग्स खेमे में बढ़ते कोविड-19 मामलों को माना जा रहा है। कई रिपोर्टर्स बता रहे कि सुरेश रैना अपने होटल रूम से खुश नहीं थे क्योंकि उसमें बालकनी नहीं थी। आईपीएल 2020 से सुरेश रैना के हटने की बात आधिकारिक तौर पर सुरेश रैना ने कोई बयान नहीं दिया। आईपीएल 2020 से सुरेश रैना के बाहर होने का आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सीएसके टीम के मालिक एन श्रीवासन ने स्थिति को भांपते हुए अपनी बात नहीं रखी। श्रीवासन ने सोमवार को दावे को बकवास करार दिया और उनके विषय को भटकाते हुए पेश किया गया, ऐसा कहा है। एन श्रीनिवासन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा कि लड़के एक परिवार है और ये परिवार एक दशक से हमारे साथ है। जब मैंने कहा कि क्रिकेटर्स प्राइमा डोनास जैसे हैं, तो वो नकारात्मक अंदाज में नहीं था। प्राइमा डोना ओपेरा में मुख्य गायक होता है, उसी तरह क्रिकेटर्स भी अपनी गतिविधियों में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। लीग से बाहर होने के बावजूद भी रैना के पास किसी भी समय वापसी का मौका है। पीटीआई के मुताबिक अब सीएसके में रैना के दिन भर गए हैं। 2008 के बाद पहली बार रैना नीलामी में आ सकते हैं। सुरेश रैना को 2020 में आईपीएल से बाहर होना काफी महंगा पड़ सकता है। आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से एक सुरेश रैना को इस साल उनकी कमाई के 11 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। नियम के मुताबिक रिटर्न किए गए क्रिकेटर में से दूसरे नंबर के खिलाड़ी को 11 करोड़ रुपए मिलते हैं। 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी को 15 करोड़ रुपए, सुरेश रैना को 11 करोड़ रुपए और रविंद्र जडेजा को 7 करोड़ रुपए रिटर्न किए थे। रैना का नाम वापस लेने का मतलब है कि उनके सैलरी के 11 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। सीएसके के उप कप्तान 2008 में फ्रेंचाइजी से पहली बार यानी 6,50,000 अमेरिकी डॉलर करीब 4 करोड़ रुपए से जुड़े थे। 8 सीजन में प्रत्येक मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं। सुरेश रैना को मैच के अलावा और भी आर्थिक झटके लग सकते हैं। मैन ऑफ द मैच, मैच में सर्वश्रेष्ठ कैच और अन्य कोई भी अवार्ड की राशि भी नहीं मिलेगी। ऐसी खबरें आ रही है कि सुरेश रैना को 2020 के आईपीएल से बाहर होने से तकरीबन 15 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। क्रिकेट में आईपीएल ने क्रिकेटर्स का एक अलग ही स्थान बनाया है और लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा जैसे अभी हाल ही में एमएस धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की बात कही और सुरेश रैना ने भी क्रिकेट को छोड़ा है, लेकिन अब अगर आईपीएल में भी वो नहीं खेलते हैं तो फिर शायद लोगों के दिल में उनका प्यार थोड़ा कम हो सकता है और आईपीएल न खेलने की वजह से उन्हें काफी आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। हमें दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी कमेंट हो तो हमें जरूर बताइएगा और वैसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।